हरे कृष्णा। तो आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के लिए ज़रूरी है, बाहर के लोग हों चाहे भक्त हों, हाउ टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस अगर कम हो तो भी ख़राब, ओवर कॉन्फिडेंस हो तो भी ख़राब, सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो तो भी सब्ज़ी ख़राब, नमक बिल्कुल ना हो तो भी सब्ज़ी ख़राब। तो नमक बड़ा बारीक होना चाहिए, एकदम राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, तो फिर सब्ज़ी टेस्टी बनती है। जैसे बहुत पहले मैंने हमारे एक मूवी बनी थी, उसमें मेरे को हीरो के तौर पर लिया गया था, उसमें कोई हीरोइन नहीं थी, फ्लॉप मूवी थी एकदम। हालांकि उसमें दो तरह की एक्टिंग हमने की थी, एक ओवर एक्टिंग की है उसके अंदर और एक अंडर एक्टिंग की है, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर पूरी मूवी में मिसिंग है हमारे द्वारा, वो है एक्टिंग। तो ओवर एक्टिंग हो तो भी मूवी बर्बाद, अंडर एक्टिंग हो तो ही मूवी बर्बाद। तो लेकिन अगर नॉमिनल हो, अगर रेगुलेटेड हो, देन एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। तो उस तरह से जो कॉन्फिडेंस है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो अगर तो भी ज़िंदगी ख़राब, अगर अंडर कॉन्फिडेंस हो तो भी ज़िंदगी ख़राब। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना वो ज़रूरी है। इसीलिए जो सेमिनार है इसका टाइटल रखा गया आर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है एक आर्ट है, कला है, उसको बैलेंस आउट करना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हाउ टू हैव दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने इसलिए इस सेमिनार को एक एक्रोनिम के रूप में लिया है, और वो एक्रोनिम है SELF, सेल्फ। तो सबसे पहले जो S है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये S क्या है। S है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। कई ऐसे भक्त थे जो कि पहले बहुत नर्वस फील किया करते थे, लेकिन जब से भक्तों के समाज में आए हैं एकदम बेबाक बब्बर शेर की तरह सेवा करते हैं, कहीं कोई डर नहीं लगता, कभी पहले किसी से बात नहीं करते थे, अभी जब किसी को भगवद्गीता देते हैं पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। तो ये कैसे आता है? ये आत्मविश्वास आता है स्पिरिचुअलिटी से, भक्ति से। क्योंकि भक्ति क्या करती है? भक्ति हमारी चेतना को उठा देती है, और हमारी जब चेतना उड़ जाती है तो हम चीज़ों को ओवरव्यू के तौर पे देख पाते हैं, और इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस आता है कि कब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो स्पिरिचुअलिटी टॉक, जो स्पिरिचुअलिटी की जो बातें हैं वो बेसिकली क्या है? एक तो भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारे भगवान से रिश्ता क्या है, इन सब बारे में, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी। और हम किसके हैं एक्चुअली, मैं कौन हूँ वो तो निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं किसका हूँ इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसका हूँ मैं वास्तव में। जिस प्रकार से भगवद्गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बार बार अलग अलग नामों से अर्जुन को पुकारते हैं, हालांकि भगवद्गीता के अंदर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, लेकिन अब बीच बीच में नाम ऐसे लेते हैं जो कि शरीर से संबंधित हैं, जैसे हे महाबाहो। अब महाबाहो, अब ये तो बड़ा शरीर वाला नाम हो गया ना, एक्सक्यूज मी, ये तो शरीर वाला नाम हो गया। हे महाबाहो, हे वृष्णिवंशी, हे कौंते, हे कुंती पुत्र, ये सब तो नाम तो सारे शरीर वाले नाम है। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, लेकिन नाम वो बोले पुकार रहे हैं जिसमें बॉडी से कनेक्शन है। तो ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं भला? एक तो एक काउंसलिंग का तरीका होता है कि ना सीधे सीधे कुल्हाड़ी नहीं चलानी होती, उसकी हिस्ट्री को लेते हुए आगे चलना चाहिए हमें काउंसलिंग में। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के नाम पुकार करके वास्तव में वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन को इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि अब तू देख तो, तू कहाँ से आ रहा है, तू कुंती पुत्र है, अरे तू धनंजय है, अरे तू महाबाहो है, तू देख तो सही तू कहाँ से आ रहा है। तो ये बोल करके बार बार उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर। तो ये जान करके कि हम कहाँ से हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। जैसे कि जब लंका की ओर जाना था तो लंका की ओर कौन जाएगा, तो सब चर्चा करें कौन जाएगा, कौन जाएगा, आप जाएंगे, नहीं जी मैं नहीं जा पाऊंगा, अच्छा आप जाएंगे, जामन जी का मैं नहीं जा पाऊंगा, जब मैं बहुत जवान था तो मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर मार लेता, लेकिन अभी वृद्ध हो गया हूँ ना, तो इसीलिए मैं इतनी लंबी छलांग मार नहीं पाऊँगा। अच्छा, और अंगद तुम कर लोगे? अंगद ने बोला चला तो जाऊँगा लेकिन ना स्टेमिना पूरा ख़त्म हो जाएगा, वापस नहीं आ पाऊँगा। क्या फिर कौन जाएगा लंका? अरे भाई कौन जाएगा, तो सब बैठे हुए हैं, कौन जाएगा। जामन जी ने तब हनुमान जी की ओर देखा, कहते एक व्यक्ति है जो यहाँ जा सकता है, और फिर उन्होंने हनुमान जी को यह याद दिलाया कि आप कौन हैं, आप किनके सेवक हैं, आप किनके दास हैं, आप हनुमान जी आप। तो जब ये याद दिलाया हनुमान जी को कि आप तो भगवान श्री राम के सेवक हैं, श्री राम के दास, वो परम शक्तिशाली, वो अद्भुत कार्य करने वाले, अद्भुत सेवा करने वाले, आप हनुमान, रामचंद्र जी की कांच सवारे, वो हनुमान। तो रामचंद्र जी के कनेक्शन में जब हनुमान जी को मोटिवेट किया तो हनुमान जी ने कहा यस,
तो ये जान करके कि मैं किनका हूं, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि एक मध्वाचार्य संप्रदाय में एक बहुत ही महान आचार्य, जो उनके फाउंडर आचार्य थे, जो वो थे श्रीपाद मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जी का ना एक बैल था, और ये बैल सेवा क्या करता था मध्वाचार्य जी की, क्या सेवा करता था कि जो भी बुलक काट, यानी कि जो बैलगाड़ी हुआ करती है, उसमें सारे शास्त्र रख करके ये बैल चला करता था, मध्वाचार्य जी के साथ साथ चला करता था, साथ में उनके शिष्य भी होते थे इस तरह से। तो एक समय शिष्य ने बोला, गुरुदेव आप चाहें तो आपके वर्क्स के ऊपर, आपके कार्यों के ऊपर हम कुछ कॉमेंट्री वगैरह लिखें। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बैल है ना, ये बैल ही सब कुछ कर देगा। तो सब कहते हैं, यार ये बैल भला कैसे करेगा। तो कुछ तो इतने ईर्ष्यालु शिष्य थे, उन्होंने एक जहरीला सांप छोड़ दिया थबेले के अंदर, जाके उस बैल को डस ले, तो हम बोलेंगे गुरुदेव वो बैल तो निपट गया, अब हम कुछ कर लें। तो ये बात पता लगी श्रीपाद मध्वाचार्य को, उन्होंने कहा अच्छा है, उन्होंने ऐसा किया कि सांप भेजेंगे आज रात को, रात को सांप जाएगा और बैल को डसेगा, लेकिन बैल नहीं मरेगा, सांप मर जाएगा डसने के बाद। और हुआ, ऐसा ही हुआ, सांप ने डसा लेकिन सांप मर गया, बैल को फिर कुछ नहीं हुआ। अब इस प्रकार से पूरा जीवन भर इस बैल ने मध्वाचार्य जी की सेवा की। ये बैल जब उसने शरीर त्यागा, तो अगले जन्म में ये बना एक बड़ा ही महान सेनापति, सैनिक, बड़ा शूरवीर। इनका नाम था धुंधुपंत। ये धुंधुपंत नाम का सैनिक था, ये अनकॉन्करेबल था, इतना शक्तिशाली था ये। और इसकी खास बात क्या थी कि ये घोड़े पे जब ये दौड़ा करता था, तो दौड़ते 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 अगर इसको पानी पीना होगा ना, तो घोड़े को रोकता नहीं था ये, चलते चलते घोड़े से ही नीचे होता था और पानी पी लिया करता था और घोड़ा चलाता रहता था, ऐसे करता था ये, रोकता नहीं था, घोड़ा रुक जाए, अभी नीचे उतरेगा, ऐसे पानी ना ना ना, ऐसे नहीं, चलते हुए घोड़े से ऐसे करके ये पानी पी लिया करता था ये। तो एक समय मध्वाचार्य जी के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा, तुम ये को पानी पीने का तरीका है, तुम इंसान हो कि जानवर हो? जैसे ये बोला कि तुम इंसान हो कि जानवर हो, तो दोनों बंदे सोचा, मैं जानवर ही तो था। अरे सही तो बोले, अरे मैं पिछले जन्म में जानवर ही तो था मैं, अरे मैं तो अपने स्वामी मध्वाचार्य जी का, अरे मैं जानवर ही तो था। उन्होंने कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, मैं जानवर ही तो था पहले। अरे जानवर ही था, कहता वो उनका एक बैल था ना मध्वाचार्य जी का, मैं वो था पिछले जन्म में, अरे मेरा कनेक्शन मध्वाचार्य जी से। उसके बाद जा करके ये व्यक्ति जो कि धुंधुपंत के नाम से विख्यात था, ये इतना अच्छा और इतना ज़्यादा पावरफुल प्रीचर बना कि इनका नाम पड़ा जयतीर्थ। जयतीर्थ को मध्वा संप्रदाय में, जिनके संप्रदाय में हम भी आ रहे हैं, सेकेंड मध्वा बोलते हैं। ही वॉज फेरोशियस, घमासान प्रचारक थे ये। इन्होंने वास्तव में कॉमेंट्रीज लिखी मध्वाचार्य जी के वर्क्स के ऊपर, उनको समझाने के लिए, ताकि एक सामान्य व्यक्ति उनकी शिक्षाओं को समझ सके। लेकिन एक कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं इतने ज़्यादा अद्भुत कार्य करूँगा, बिकॉज ही गॉट सी दैट आई हैव कनेक्शन विद मध्वाचार्य, अरे मेरा उनके साथ कनेक्शन है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ट हमारा तभी भी होता है जब हम ये जानते हैं कि मेरा कनेक्शन किन के साथ है। जैसे हमारे इस्कॉन में एक बहुत ही महान आचार्य हैं, उनका नाम श्री राधा गोविंद स्वामी। तो उनका एक शिष्य मेरे को मिला और मेरे को बोला, क्या प्रभु जी मैं ना पढ़ नहीं पाता, मैं किताब नहीं खोल पाता, ग्रंथ लिखे हैं इतने सारे, भगवद्गीता भागवतम इनको देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ जय सियाराम जय राधे श्याम, लेकिन ना किताब खुलते नहीं हमसे। तो मैंने उसको ये बात याद दिलाई, मैंने कहा तो ये तो देख, तू किसका शिष्य है, कितने महान है तेरे गुरुदेव, जो कि श्रीमद् भागवतम का पिछले 50 साल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन गुरुदेव का तो शिष्य होकर तू किताब नहीं खोल रहा, अरे ये तो देख तेरे गुरु महाराज कितने महान है। जैसे उसने ये कनेक्शन देखा कि उसके गुरु कितने महान है, उनका शिष्य वो, इमीडिएटली ही कुड गेट दिस कॉन्फिडेंस, ये उनके अंदर ये आत्मविश्वास आ गया कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और तब मैं जब मैं यूएसए गया था किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं जब वापस आया तो मेरा दिनचर्या उल्टी सीधी हो गई थी, यानी दिन में मेरे को नींद आती थी और रात के समय जो है मेरी आँख खुली है, मेरे बगलवाले सो रहे हैं, मेरी बहन सो रही, मेरे माता पिता सब सो रहे हैं, मैं जगा हूँ यार पूरा, मतलब ये तो हमारा लाइफस्टाइल ही उलट पलट हो गया, क्योंकि वहाँ दिन होता है यहाँ रात होती है, यहाँ दिन होते हैं वहाँ रात होती है, तो ऐसे तरह से होता है, तो ये तो बड़ा दिक्कत होगी, अब क्या करें जी। तो फाइनली मतलब मैं बहुत जूझ रहा था, तो फिर मैं सुबह लेट ही उठ रहा था, क्योंकि मैं लेट ही सोता था, लेट ही उठता था, लेकिन ये लेट उठना ये तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। मैंने कहा यार ये तो क्या किया जाए, लेकिन ये साइकिल अपना तो उलट उल्टा सीधा हो गया अभी। तो फिर मेरे को एक मित्र ने जो है याद दिलाया, कहता अरे तो किनका शिष्य, तो ये तो देख, तो 3 बजे ऐसे घमासान होकर के सो रहा होता है, तेरे गुरु महाराज 3 बजे उठ जाते हैं और यहाँ गौ नेता है कि राधा पार्थ सारथी की यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हो, और तू सो रहा है, तो किनका शिष्य है ये तो देख। अरे बात तो सही है, एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि यस,
आई मे स्लीप लेस बट आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड विद इन अ वीक मैंने अपना स्केड्यूल जो है सेट कर लिया. तो ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है हमें कि हम कहाँ से हैं, किससे हैं. और अगर आपका किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन नहीं है तो ऐसा कनेक्शन बनाइए. ऐसा कनेक्शन बनाने से, ऐसा कनेक्शन जानने से, अगर नहीं है तो बना लेने से, और बना लेने के बाद ये रियलाइज करने से कि मेरा कनेक्शन कितने महान व्यक्ति के साथ है. अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ. ऐसे हमें मिला था वृंदावन में, एक भक्त मिला था. हमने उसे बोला कि आप जाइए फला फला शहर में, आप भक्ति का प्रचार शुरू करिए आप. तो उसे कहा, नहीं प्रभु जी, देखिए हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम किसी को भगवद्गीता सुनाएं समझाएं, हमारी कहाँ इतनी औकात. तो हमने उसको ये बोला, मैंने कहा तो भाई तुम किस लाइन में रहो? श्रील प्रभुपाद जी की लाइन में रहो जिन्होंने अमेरिका जाके प्रचार कर दिया. तुम ये यहाँ भारत के एक शहर में जाके प्रचार नहीं कर सकते? क्या बब्बर शेर का बेटा गीदड़ होता है क्या? कहता नहीं, हम गीदड़ नहीं है. अभी आत्मविश्वास आ गया उसके अंदर. तो इसीलिए ये जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा किनके साथ कनेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है. और होता क्या है कि अक्सर हम लोग क्यों कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आ पाते, क्योंकि हमारे अंदर ना एक नेगेटिव माइंड है. एक तो है सेल्फ यानी आत्मा, फिर है माइंड, और फिर है बाहर की दुनिया. हमें दुनिया में क्या करना है वो हम बाद में करते हैं, लेकिन हर वो चीज़ जो भी पहले दुनिया में करनी होती है पहले हम कहाँ करते हैं? मन में. जैसे पेंटर पेंटिंग कैनवस पे बाद में करता है, पहले कहाँ करता है? मन में. कहता है मैं ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, ऐसे नदियाँ बनाऊंगा, ऐसे झोपड़ी बनाऊंगा, ये ऐसे सूरज उग रहा होगा. हाँ ठीक है ठीक है, पहले यहाँ मन में पिक्चर बनती है. लेकिन यहाँ पर अगर पिक्चर यहाँ पर नेगेटिविटी भरी हो तो हुआ क्या, उस नेगेटिव स्क्रीन के ऊपर आप दुनिया में क्या देखोगे? नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं 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 हुआ, नहीं होने वाला मेरे से. ये कौन बोल रहा होता है? ये हमारा बदमाश मन बोल रहा होता है, जो कि आलसी है, जो नहीं चाहता कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाओ, नहीं चाहता वो. तो इसीलिए अगर नेगेटिविटी है अगर मन के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस उससे लो होता जाएगा, और इस वजह से जो आप कर भी सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे. रीजन बीइंग, यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद द माइंड. हमें मन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है. जब कभी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आए कि यार तू ये नहीं कर सकता, उसके पहले एक शब्द लगाइए, ये मेरा मन बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है कि, और फिर उसके बाद सेंटेंस, मेरा मन बोल रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं किताब नहीं खोल पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं जप नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि तू नालायक है. जो भी विचार आए उसके पहले क्या लगाना है? मेरा मन बोल रहा है कि, दैट्स इट. और इस तरह से हम अपने आप को मन से अलग करते हैं. ये मैं नहीं हूं, ये मेरा मन है. मैं अपने मन के साथ रहता हूं लेकिन मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं. अगर मुझे इज्जत नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिला, जो दुख हुआ, कष्ट हुआ, वो मेरे अहंकार को हुआ है, मुझे नहीं. मैं तो आत्मा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरा अहंकार है ना, उसको वहां बहुत दुख हुआ है. रीजन भी क्या, उसको इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला उसको, या किसी ने फीडबैक दे दिया, किसी ने नुक्स निकाल दिया. क्योंकि जो इंद्रियां हैं दे वॉन्ट ग्रेटिफिकेशन, माइंड वॉन्ट्स ग्लोरिफिकेशन, एंड ईगो वॉन्ट्स नो रेक्टिफिकेशन. कहते हमारे में कोई गलती ना निकाले, कोई नुक्स ना निकाले, कोई हमको फीडबैक ना दे. ये कौन कहता है? ये अहंकार कहता है. ग्लोरिफिकेशन किसको चाहिए? ग्लोरिफिकेशन चाहिए मन को. इज्जत हो हमारी, अरे कोई इज्जत करे हमारी, ये असल में मन मांग रहा होता, मुझे इज्जत चाहिए. तो इसीलिए अपने आप को मन से हमें अलग करके उसको देखना चाहिए. जिस चीज़ को अपने आप से अलग कर लोगे तब आप उसको देख पाओगे, वो है क्या, हिसाब किताब क्या उसका, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे. अब वैसे कितने लोगों ने हलवा बनाया जिंदगी में, ये हलवा बनाते दिखा है किसी को? हम कैसे हलवा बनाते हैं, कढ़ाई के अंदर खड़े होके या कढ़ाई के बाहर खड़े होके? हैं कोई ऐसा जो कढ़ाई के अंदर खड़ा हुआ हो और उसने हलवा बनाया हो? कढ़ाई के अंदर हलवा बनाएंगे तो हम खुद ही हलवा हो जाएंगे. हम हलवा तब बना पाते हैं जब हम कढ़ाई के बाहर खड़े होते हैं. उसी तरह से अगर मन को मैनेज करना है तो मन से अपने आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, मन से अलग करना है अपने आपको. देन वी कैन मैनेज द माइंड. मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आत्मविश्वास, ये जो कमज़ोर होना है, ये बेसिकली ये सारा मन का खेल है. तो आज मेरा मन कह रहा है कि, आज मेरा अहंकार कह रहा है कि, अपने आप को इससे अलग करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सेल्फ रियलाइजेशन में ये भी आता है कि मैं कौन हूँ, मैं मन नहीं हूँ,
मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, और मैं किन का हूँ? मैं कृष्ण का हूँ। ये भावना आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी, इससे आत्मविश्वास आता है। सो एस फॉर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में रियलाइजिंग द सेल्फ एंड हुम एम आई कनेक्टेड टू, मैं किन से मेरा संबंध है इससे। सो एस के बाद आता है फिर ई। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना चाहिए कि अच्छा किस चीज के लिए मैं बेसिकली आत्मविश्वास चाह रहा हूं, किस चीज के लिए। सो ई फॉर एक्सप्लोरेशन। पर एक्सप्लोरेशन में क्या आता है बेसिकली, एक्सप्लोर करने के अंदर ही आता है कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। पहली बात तो जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, फिर उसके लिए रास्ता ढूंढा जाएगा, और फिर रास्ता जो होगा, रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फिर इनके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत कैसे होगी, मुझे चाहिए क्या। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी थे, तो जब उनको यूएसए जाना था, यहाँ से इंडिया से जब जाना था, अभी इस्कॉन शुरू नहीं किया था उन्होंने, तो उसके बाद वहाँ पर सुमति मुरारजी नाम की एक लेडी थी, जिनका कि कार्गो शिप जाया करते थे यूएसए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप जानते हो आप क्या करने जा रहे हो? कहते यस, मैं जानता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ, और मैं अमेरिका जैसे स्थान में प्रचार करने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का। मैं ये करने जा रहा हूँ, आई एम क्लियर। सो ही वॉज क्लियर। जब किसी से पूछा श्री प्रभुपाद जी से, स्वामी जी व्हाट इज दिस हरे कृष्ण मूवमेंट ऑल अबाउट, समरी में बताइए। प्रभुपाद जी ने कहा, हरे कृष्ण मूवमेंट मीन्स सिक्स वर्ड्स, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, बस। इस्कॉन इज दिस, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। ये छह लेटर में, छह वर्ड्स के अंदर ये इस्कॉन हो गया। ही वॉज क्रिस्टल क्लियर। एक समय प्रभुपाद जी के हाथ में ग्लोब था, और प्रभुपाद जी ग्लोब घुमा रहे थे ऐसे, ग्लोब घुमाते घुमाते एक जगह जहाँ उंगली रुकी वहाँ था रशिया। प्रभुपाद ने कहा, हेयर आई सेंड गोपाल कृष्ण। फिर घुमाया, फिर घुमाया चाइना आया, हेयर आई सेंड तमाल कृष्ण। फिर घुमाया अफ्रीका रुका, हेयर आई सेंड ब्रह्मानंद स्वामी। इस तरह प्रभुपाद ग्लोब घुमा रहे थे, और जहाँ उंगली आ रही थी वहाँ अपने शिष्य का नाम ले रहे थे। बट ही वॉज क्लियर कि मुझको कब कहाँ क्या प्रचार प्रसार करना है। ही न्यू दैट। घुमाते घुमाते सबका नाम लेते आ रहे, हेयर रशिया गोपाल कृष्ण महाराज। इस तरह से ही वॉज टेकिंग द नेम पाकिस्तान अमोघ लीला प्रभु, ही वॉज सेंडिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा, प्रभुपाद जी ने वास्तव में एक अमोघ लीला प्रभु, जो कि उनके शिष्य थे, उनको पाकिस्तान भेजा था। एक समय ऐसा हुआ, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम इस्लामाबाद, और वो अमोघ लीला प्रभु का सेक्रेटरी था, मतलब जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनके सेक्रेटरी ने कॉल किया। तो हमारे टेम्पल वर्जन को फ़ोन आया था, तो मैंने उठा लिया, मैं प्रभु जी का सेक्रेटरी। मैंने कहा, हाँ जी हरे कृष्णा। कहते हाँ जी हरे कृष्णा। मैंने कहा, आप कौन बोल रहे हैं? कहता मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, अमोघ लीला प्रभु का सेक्रेटरी। मेरा सेक्रेटरी पाकिस्तान में बैठा है, कमाल की बात है। फिर उसने मेरे से पूछा, कहता आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरा नाम अमोघ लीला दास। कहता प्रभु जी आप वहां कैसे आ गए? तो एक्चुअली ही वाज अमोघ लीला प्रभु, प्रभु जी वाज एक्चुअली सेंट टू पाकिस्तान बाय श्रील प्रभुपाद, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य अमोघ लीला प्रभु है, लाइक दैट। बट ही वॉज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि मुझे करना क्या है। तो श्री प्रभुपाद जी को बिल्कुल क्लियर था। तो कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है इस बात से, ये क्लियरली समझ करके एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या जिंदगी के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात आती है कि ओके अब मुझे करना है जो करना है, लेकिन साथ ही एक्सप्लोर करना चाहिए अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को भी। हमें समझना, देखिए हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सबके पास सारी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग फिजिकल लेबर में बहुत अच्छे होते हैं। हर एक की अपनी अपनी खासियत है, इसलिए हमको अपनी खासियत के ऊपर कि भगवान ने मुझे क्या गुण दिए हैं और उस गुण के अनुसार मैं क्या कर सकता हूँ, हमें उस हिसाब से सेवा करनी चाहिए। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। हम हर वो काम नहीं कर पाएंगे जो बाकी दुनिया कर रही है, और ना हमें इसीलिए अपने आप को किसी से कंपेयर करना चाहिए। जहाँ अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं फिर आपको कॉन्फिडेंस लो होता है, कहते हैं वो तो इतना अच्छा कर गए, हमारे से तो नहीं हो पाएगा, वो तो इतना अच्छा करते हैं, वो इतना अच्छा गाते हैं, वो इतना अच्छा बोलते हैं, वो इतना अच्छा चलते हैं, वो इतना बढ़िया खाते हैं, और हम तो खिचड़ी खाते हैं, हम तो दलिया खाते, हम नहीं खा पाएंगे। सर एवरी वन इज़ यूनिक, हम सब अपने आप में यूनिक हैं। भगवान ने इतनी सारी यूनिक सोल क्यों बनाई? क्योंकि भगवान का सारी सोल्स के साथ यूनिक संबंध है, और हर एक यूनिक संबंध में एक यूनिक रस है, और हर एक उस यूनिक रस को भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए हर एक सोल यूनिक है। व्हेन वी कंपेयर समवन विद समथिंग और समवन, बेसिकली वी आर इंसल्टिंग कृष्णाज यूनिकनेस। भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि के अंदर जो यूनिकनेस है, हर एक व्यक्ति यूनिक है, उस यूनिकनेस की हम इंसल्ट कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। कोई आपको किसी और से कंपेयर कर अच्छा लगता है? या फॉर एग्जांपल को बोले, अरे मेरी पत्नी, अरे पूछो मत, इतना घटिया खाना बनाती है, पड़ोसन है इतना बढ़िया खाना बनाती है, दुख लगता है?
कोई पत्नी बोल दे अपने पति के बारे में, कहते अरे छोड़ो जी, हमने 1600 बार के व्रत रखे, ये मिला है हमको, क्या क्या बताया हम आपको। वो देखो कितने अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं, उनको कैंडल लाइट डिनर पे लेकर के जाते हैं, ये तो कभी लाइटर जला के भी कुछ नहीं करते, तो बेकार आदमी एकदम। कंपेयर करते हैं, दुख होता है राइट, पर कंपैरिजन करना गलत है। रीजन बीइंग ईच एंड एवरी सोल इज यूनिक। इस तरह से हम भी यूनिक हैं और हमारी यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, हमें कुछ कमियां भी हैं, इट्स ओके। उससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, उससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। तो मुझे समझना चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण, और मैं कृष्ण नहीं हूं। इस बात को स्वीकार करना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रीजन भी आप जान पाएंगे कि हाँ मैं हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूं। मैं सब कुछ में एक छोटा सा अंश हूं, और एक खास तरह की सेवा करने के लिए मेरे को ठाकुर जी ने रखा है, और इसलिए मैं ये करूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं किसी माता जी को देखकर कि माता जी कितना अच्छा कुकिंग करती हैं, लेकिन मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं इतना वाहियात कुकिंग करता हूँ कि मतलब भगवान को, जिसने अगर मेरा बनाया वो भोग लगाया, उसको भगवान कहाँ कहाँ भेजेंगे उसको, कि तुमने अमोघ लीला दास नाम का एक कुक तुमने क्यों रखा है। लेकिन मैं किसी माता जी से अपने आपको कंपेयर कर लूँगा तो डिप्रेशन में आ जाऊँगा, तुम्हारा कहता जाएगा तो बहुत ही वाहियात कुक है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनानी सीखी थी अपनी मदर से, लेकिन कभी ढंग की खिचड़ी बनी ही नहीं, कभी नहीं बनी। या तो नमक आगे पीछे हुआ उसके अंदर, या तो सब्जियाँ आगे पीछे हुई, या चावल कच्चे रह गए, या दाल उल्टी सीधी हो गई। तो भगवान को भोग लगाया करता था क्षमा भावना के साथ कि प्रभु हमें, क्योंकि अब मैं विदेश में आया हूँ, यहाँ कुक है नहीं, यही है जो है अब, तो खिचड़ी नीचे तो लगनी ही है, जलनी ही है, उसकी ऊपर ऊपर से निकाल करके भगवान को भोग लगा दिया। आधी तो जलनी है, तो थोड़ा ज़्यादा बनाया करता है, आधी जलेगी थोड़ी सी। तो इसलिए अब मैं कुक बहुत बेकार हूँ, कुक के मामले तो आई एम अ क्रूक, एक्चुअली कुक बोलना ही नहीं चाहिए वैसे तो। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अब कमी है और विशेषता भी है, तो जो विशेषता है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह से वी आर टू एक्सप्लोर व्हाट इज इन मी, जो कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, और उस हिसाब से मुझे सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब सेवा करेंगे, जब कोई कार्य करेंगे, कोई जिम्मेदारी लेंगे, तो ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, तो बनते हैं। ऑब्स्टिकल ना हो फिर तो भाई कार्य में मजा भी नहीं आता। जस्ट इमेजिन कि एक लव स्टोरी हो, एक लड़का है, एक लड़की है, लैला है, मजनू है, इसने उसको पसंद किया, इसने उसको पसंद किया, एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, ठीक है, इन द एंड। ये मूवी फ्लॉप है कि हिट है? सुपर फ्लॉप कहता है, बहुत ही बकवास मूवी यार। पहले सीन में मूवी खत्म हो गई, पहले सीन लड़के लड़की को देखा, लड़के लड़के को देखा, तो उनका आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, इसने उसको माला पहनाई, इसने उसको माला पहनाई, ओके, एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। अरे इतनी बकवास मूवी। लेकिन अगर स्टोरी के अंदर विलन आए, हाँ ये बात, जितने ज़्यादा विलन, अरे और बात। तो उसी तरह से जब हम कोई कार्य करने लगते हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, जैसे भक्ति भी है, भक्ति के अंदर ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, भक्ति में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, नो डाउट देर आर ऑब्स्टिकल्स। शास्त्र में आता है कि जो ऑब्स्टिकल्स जो है, बेसिकली विशेष रूप से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं दे आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, ये भगवान के सेवक हैं। तो भगवान ने अपने सेवकों को वास्तव में सेवा में लगाया कि ऑब्स्टिकल्स डालो देखने के लिए कितना दृढ़ है, इसको कुछ लेसन्स सिखाने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स होने चाहिए। ऐसे कभी ऐसा होता है ना, कहीं लड़का है, लड़की को पटाने के लिए वो क्या करेगा, हम दोस्तों को बोले कहते हैं शाम को ऐसे निकलेगी ना, तुम लोगों सीटी वीटी मारना उसको, ठीक है, फिर मैं आ जाऊँगा, फिर तुम लोग घुसा घुसा मार के भगा दूंगा, फिर वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, हाँ ये प्लान, ठीक है। तो लड़के ने ऐसे प्लान बनाया उसने, तो अब जैसे लड़की निकली, कॉलेज से निकली, मिरांडा कॉलेज से निकली, तो आ गए लड़के, ए 56 छोकरी ऐसे करते आ गए, ठीक है। अब लड़की जो है भागी, और ये उसके पीछे जा, अरे जाने मन आ जा हमारे पास, ये उसके पीछे, ओ ये भागी जा रही, भागी जा रही, और फिर हीरो, अरे मैं आ गया ना, हट जा, मैं इनको देख लूंगा, मैं डिशुम डिशुमा इनको भगा दिया था। अच्छा दोस्त किसके, इसी के दोस्त हैं, लड़की को पटाने के लिए, लड़की को अपने पास लाने के लिए ये सारा खेल खेला। उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं, जैसे भक्ति को करता है तो उसमें ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, कोई सेवा करते हैं ऑब्स्टिकल्स उसके अंदर आते हैं, पर ऑब्स्टिकल्स हैं कौन, ये भगवान की सेवक ही हैं। पर ये क्यों है, जैसे ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे हमारी भक्ति में आते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमा, सर ये क्या है, ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सब दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों की वजह से हम सेवाएँ कर नहीं पाते, भक्ति कर नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए, तो भगवान की और तेजी से उन्मुख हो जाना चाहिए। फिर भगवान कहे अरे मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगा, चिंता मत कर, चिंता, डिशुम डिशुम इनको भगा दिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि ना, अगर व्यक्ति ने अपने दोस्तों को भेजा गुंडा बना करके लड़की को छेड़ने के लिए ताकि लड़की इसके पास आए, अगर लड़की इन्हीं से प्यार कर बैठे तो कहते लो जी प्लान ही चौपट हो गया है, ये तो विलन के पीछे, ये तो पागल हो गई, ये तो कहते सुन प्लान ये था, तेरे को उनसे भागना है, मेरे पास आना है तेरे को,
ये तो विलन से प्यार कर बैठी। इसलिए इस तरह से कई लोग जैसे भक्ति करते करते इन काम क्रोध लोभ से इनसे प्रेम कर बैठे हम लोग। भगवान ने क्यों बनाए थे ये? ताकि हम इनसे बचने के लिए भगवान की ओर भागें। हम भगवान की ओर नहीं भागे, इन्हीं की ओर भाग लिए। भगवान ने कर लो जी, तुमने तो सारे प्लान ही चौपट कर दिया तुमने तो। सो ऑब्स्टिकल्स क्यों आते हैं? सो दैट वी बिकम मोर प्रेयरफुल। तो इसलिए बाधाओं का आना किस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है? क्योंकि हम भगवान से और अधिक हृदय से प्रार्थना करते हैं। एक गुरु थे, उनके पास गए, उनके शिष्य गए। शिष्य ने बोला, गुरुदेव मैं 30 साल से मैं भजन कर रहा हूँ, जपा कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो गुरु ने कहा, तुम चाहते हो कुछ हो? हाँ गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि कुछ हो। तो गुरु ने कहा, ठीक है जाओ दिल्ली, जाओ दिल्ली में जाके मंदिर बनाओ। कहते उससे क्या होगा, जाओ तो सही, बनाओ तो सही। अब वो आया, यहाँ कहाँ ज़मीन मिलेगी, किससे मिले, किससे ना मिले, अरे क्या करें, बहुत दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से ज़मीन मिली, ज़मीन मिली, उसके बाद पैसा इकट्ठा करना है, ज़मीन खरीदनी है, उसके बाद फिर आर्किटेक्ट से मिलना है, नक्शा बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। लेकिन ये सब करते करते जूझते जाँचते वो क्या करता, वास्तव में हृदय से प्रार्थना करता है, कहता है, अरे ओ कृष्णा, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को यहाँ पर एक सेवा दी हुई है, लेकिन मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। प्रार्थनाओं की भावना के साथ जब उसने जप करना शुरू किया तो उसका भजन बहुत गहरा हो गया और इस प्रकार से वो नाम सिद्धि कर पाया। क्यों? क्योंकि जब असहाय अवस्था में होते हैं, जब ऑब्स्टिकल्स होते हैं, दिक्कतें होती हैं, तो बड़े हृदय से प्रार्थनाएं निकलती हैं। तो इसलिए ऑब्स्टिकल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हमको ज़्यादा प्रेयरफुल बनाते हैं। तो इसीलिए ऑब्स्टिकल्स का होना ज़रूरी है। और साथ ही ऑब्स्टिकल्स क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल्स हमको कहीं यूनिक लेसन्स देते हैं। हम कुछ ऐसे ऐसे लेसन सीखते हैं जो कि ना बाधाओं के होने पर ही सीख पाते हैं हम लोग। आप देखोगे ना, ऐसे बच्चे जिनके पिताजी ने उनको कार्ड दिया हुआ है, बेटा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप मार, मस्ती मार, ऐसे बच्चों को बोलो कि ना तुम कुछ सिखाओ दुनिया को, कहते क्या सिखाए, कुछ नहीं, वैसे स्वाइप मारना होता है और ऐसे पासवर्ड डालना होता है और क्या, दैट्स इट। ये कुछ नहीं सिखा सकते। जिन्होंने लाइफ में कोई दिक्कतें देखी ही नहीं, ऑब्स्टिकल्स देखे ही नहीं, ऐसे लोग दे आर वेरी बैड टीचर्स। अच्छे टीचर ना वो होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत फेलियर देखे, बहुत फेलियर देखे, बड़े उतार चढ़ाव देखे हों, ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा टीचर बनता है, क्योंकि वो जानता है क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती, वो ही जानता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन से जब पूछा कि आपने 500 बार एक्सपेरिमेंट किया लेकिन बल्ब नहीं जला, आपको निराशा नहीं हुई? उन्होंने कहा, ना मैंने 500 वो तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं जलता। तो इसीलिए विफलताएँ जो होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये हमको सिखाते हैं, कुछ यूनिक चीज़ें सिखाते हैं, यूनिक चीज़ें सिखाते हैं। जैसे बहुत पहले मेरे अंदर एक कमी थी, अभी थोड़ी सी बाकी बोली कमी अभी भी है हालांकि, लेकिन भगवान ने भी पूरी कर दी, लेकिन पहले बहुत कमी बहुत ज़्यादा थी कि मैं भुलक्कड़ था, मैं भूल जाया करता था। जैसे मेरी मदर अगर मेरे को मार्केट भेजेंगे, जा बेटा बाजार से ले, मैं चला जाऊँगा, लेकिन ना पैसे लेके नहीं गया, भूल गया, सर सब सामान पैक हो गया। हाँ, क्योंकि कितने हो गए भैया? 950 रुपये। ओहो ठीक है, कहते भैया इसको ना रखो, मैं अभी पैसे लेके आया, फिर मैं घर वापस जाऊँगा, फिर पैसे लेके आऊँगा, फिर सामान लेके जाऊँगा, अरे भूल जाना। तो ये कमी थी और मैं कहता भी था, अरे प्रभु ठीक कर दो ना ये चिप मेरा, क्यों ये मेमोरी चिप मेरा ख़राब क्यों है, ठीक कर दो। अब ये चिप मेरा काफ़ी समय तो वहाँ ने ठीक नहीं किया, लेकिन उससे ना मैंने एक चीज़ सीखी, मेरे लिए दूसरों को क्षमा करना आसान हो गया। जब कोई गलती करता था, अरे प्रभु जी भूल गया, मैंने कहा अरे कोई नहीं, उसमें हम उस्ताद हैं, इट्स ओके। तो हमारे में जो कमी होती है, बेसिकली हमें एक वैल्यू सिखा रही होती है। मैं क्षमा करने की वैल्यू सीख पाया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, कि हम किसी को क्षमा कर सकें। कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते ना, मन कुड़ता रहता है, लावा चलता रहता है ना, लेकिन क्षमा करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैं किसी की गलती को माफ़ कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तो ब्लंडर मास्टर रहा, इसने तो की मिस्टेक, हमने तो क्या ब्लंडर किए हुए लाइफ में, बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए हैं। तो इसलिए एक पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल की वजह से, एक पर्टिकुलर कमी की वजह से होता क्या है, हम कुछ ऐसे लेसन सीख लेते हैं, ऐसी वर्च्यू सीख लेते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कभी कभी भगवान अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, तो हमको लगता है भगवान मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पता नहीं मूर्तियों में भगवान है नहीं है, इतना तो बोल दिया प्रभु करो करो करो, हो नहीं रहा है, पता नहीं। तो डाउट आया था कि पता नहीं ये भगवान है नहीं है, इच्छा तो पूरी हो नहीं रही है हमारी। असल में ना लोगों को भगवान की शक्ति पर विश्वास है, लेकिन भगवान की बुद्धि पर विश्वास नहीं है। कहते प्रभु बुद्धि हमारी हो, बुद्धि मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास कम है, और शक्ति आपकी हो जाए, जॉइंट वेंचर। तो हम ये चाहते हैं भगवान से कि हमारा हो जाए जॉइंट वेंचर, कि प्रभु बुद्धि मेरी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास थोड़ी कम है, लेकिन शक्ति थोड़ी, चलो आपके पास ज़्यादा है, शक्ति मेरे पास नहीं है, तो ऐसा कर लेते हैं, प्लान हमारे हो, बुद्धि हमारी हो, शक्ति आपकी हो, ऐसा। लेकिन बुद्धि किसकी ज़्यादा है, हमारी या भगवान की? भगवान की।
तो प्लान किसके चलेंगे अल्टीमेटली? भगवान की। यस, तो इसलिए कभी कभी जब लोग जाते हैं भगवान के पास, इच्छा पूरी नहीं हो रही, अरे प्रभु ठीक कर दो, अरे ऐसा कर दो, वैसा कर दो, अरे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कर रहे हैं आप। जैसे कालिया की जो पत्नियां थी वही कहती थी, या तो इसको भक्त बना दो या हमको विधवा कर दो। जैसे कई माता है उनके पति उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, बड़ा तो मंदिर जाती तू है, मीरा बाई कहीं की ना होता तेरी ऐसी तैसी। अब माताएं सोचती हैं यार कब बनेगा ये भक्त, कब बनेगा, मतलब हमेशा ताने मारते हैं, या तो प्रभु इसको कुछ ठीक कर दो या तो कुछ कर दो फिर इसके साथ से। आप कई पति भी उनकी पत्नियां हैं खून चूसने वाली हैं, क्या जाओ तुम तुकारा मन जाओ, ये हो जा वो हो जा, क्या कहते मारती ताने वाने मारती हैं, कहते क्या करूँ क्या समझाऊँ कितने झूठ बोलूँ क्या करूँ, भक्त हो जाए धीरे धीरे करके ये। सो दैट वे ऐसा होता है कि ना हमारी इच्छा पूरी करनी रहता है, भाई ये सन की पति है अब है, अब खून चूसू पत्नी है अब है, अब नहीं हो रहा अब ठीक क्या करें अब। लेकिन कुछ समय बाद हो जाता है ठीक, लेकिन इतने समय मैंने क्या किया, मैंने क्षमा करना सीखा, मैंने प्रार्थनाएं करनी सीखी। तो कभी कभी जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वी लर्न टू हैव सर्टन वर्च्यू, अ सर्टन वैल्यू, टू फॉरगिव, टू बी अकोमोडेटिंग, ये हम सीख पाते हैं। तो इसीलिए अभी ऑब्स्टिकल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे में वर्च्यूज आती हैं, वैल्यूज आती हैं इससे हमारे अंदर। और क्या होता है, जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, ऑब्स्टिकल्स हमको स्ट्रांग बनाते हैं, ऑब्स्टिकल्स हमको स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई अगर जिम जाए और इतना कुछ वेट उठाए और ऐसे से कर ले, डोले बनेंगे ना? ना डोले बनेंगे ना डोली उठेगी, कुछ नहीं होगा इसका, दोनों नहीं होने वाले। लेकिन जब भारी वर्कम उठाते हैं अरे फिर जाके कुछ कट्स आने शुरू होते हैं हल्के फुल्के, राइट। तो इसीलिए ऑब्स्टिकल्स जब आते हैं दे मेक अस स्ट्रांग। यूएस आर्मी में कहा जाता है एनीथिंग विच डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रांगर। हर वो चीज़ जो आपको मारती नहीं है वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाती है वो। हालांकि आपको सब सिचुएशन में लागू नहीं होता, बट मोस्टली ये लागू होता है कि ऑब्स्टिकल्स जो है दे मेक अस स्ट्रांग। जैसे एक व्यक्ति था, उसका ना दाया हाथ नहीं था उसका, लेकिन उसको कुंफू सीखने का बहुत शौक था। तो गया वो कुंफू टीचर के पास, तो कुंफू टीचर ने ना उसको एक खास तरह का पैतरा था वो सिखाया उसने, और उसी की प्रैक्टिस कराता था, बस वैसे ही प्रैक्टिस करता रहता था। तो सोचता है लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे और कुछ सिखाते ही नहीं, बस ये सिखाते हैं, बाकी चीज़ें हल्की बुल्की सिखाते हैं, मेन तो क्या था बस ऐसे कर ऐसे कर। फाइनली उसने चैंपियनशिप में भाग लिया, चैंपियनशिप में उसने भाग लिया, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस लो था, पता नहीं मेरे गुरुदेव कहते रहे हैं मेरा माय कुंग फू टीचर कि ना कर लूँगा मैं, लेकिन कैसे करूँगा, मेरा मेरी बाजू तो है नहीं, राइट बाजू तो है नहीं मेरी। तो एक खास तरह से ना उसने एक जो पैतरा सिखाया था वो हर बार कर रहा था, वो यूज़ कर रहा था, वो क्वार्टर फाइनल भी जीत गया, वो सेमीफाइनल भी जीत गया, वो फाइनल भी जीत गया, और फाइनल भी जीत गया। तो उसने पूछा ये हुआ कैसे, मेरी तो राइट बाजू है ही नहीं, तो ऐसा कैसे कि मैं कॉन्टी ये कुंफू में कॉन्टेस्ट जीत गया। तो उसे गुरु ने बोला कि ये जो पैतरा होता है ना, इसकी एक कमजोरी होती है, इसको लगाते हुए अगर कुंफू जो सामने वाला ओपोनेंट है उसका दायां हाथ पकड़ के पीछे खींच ले जाए तो ये इसकी काट है, लेकिन तुम्हारा दायां हाथ है ही नहीं, इससे तुम्हारे इस पैतरे की काट ही नहीं है, और क्योंकि तुम्हारे इस पैतरे की काट नहीं इससे तुम सामने वाले को हमेशा चित कर रहे हो। तो क्वार्टर फाइनल पार कर गए, सेमीफाइनल पार कर गए, और फाइनल भी। तो ऑब्स्टिकल कहीं ना कहीं हमको मजबूत बनाते हैं, एक्चुअली मजबूत बनाते हैं, दे चेक आवर डिटर्मिनेशन। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ना माया को क्यों बनाया, माया को इसलिए बनाया ताकि हमारी डिटर्मिनेशन चेक कर सकें। माया के दो फंक्शन है वैसे, माया टेल्स आउटसाइडर्स नॉट टू कम टू कृष्णा, कहते हैं अरे क्यों जा रहे हो कृष्ण, अरे बोरिंग जिंदगी है, तुम भी भगत वगत हो जाओगे, ऐसे तुम माला वाला फेरोगे, छोड़ दो ये भगवान भक्ति कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, बाहर है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, यस फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो देखो यार तुम कहाँ जाओगे, भक्ति भक्ति करोगे, इट्स बोरिंग लाइफ। माया बाहर के लोगों को ये कहती है, भक्तों को बोलती है हाँ हाँ सरेंडर करना चाहिए भाई, आज नहीं कल कर देना, कल कर देना, फिर कल आया कहते हैं हाँ करना चाहिए, मना थोड़ी कर रही हूँ बाबा, कल कर देना, पोस्टपोन दी सरेंडर। सो माया टेल्स द आउटसाइडर्स डोंट सरेंडर, माया टेल्स द डिवोटीज पोस्टपोन दी सरेंडर, कहते हैं अरे अरे अभी थोड़ा जा सिमरन, जा थोड़ी जी ले अपनी ज़िंदगी, जा राहुल जा तू भी थोड़ी जी ले अपनी ज़िंदगी, फिर उसके बाद सरेंडर कर देना, मना थोड़ी कर रही हूँ, कर देना, कल करना। हमारे युग का नाम क्या है, कलयुग, तो कम काम कब करने, फिर कल पूजा अर्चना कब करनी है, कल जपा कब करना है, कल गीता कब पढ़ेंगे, कल, क्योंकि युग का नाम क्या है, कलयुग। आज युग होता तो आज कर लेते, लेकिन युग का नाम ही कलयुग है, इट्स ओके,
सो एक्सप्लोरेशन का मतलब है ये जानना कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, मेरा रास्ता क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे, मेरी पर्सनल लिमिटेड कैपेबिलिटीज क्या हैं, या भगवान ने कुछ विशेषताएं दी हैं तो वो क्या दी हैं। इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ये जान करके भगवान ने मुझे क्या दिया है वास्तव में। सो ई फॉर एक्सप्लोरेशन, यस। नाउ एल फॉर लव फॉर दी सेल्फ, लव फॉर दी सेल्फ। आप में से कितने लोग मानते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हाथ खड़ा करें। सब मानते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ये गलत है। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ देन एट होम। जब मैं अभी सेल्फ लव की बात कर रहा हूँ, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि दैट वी बिकम नार्सिसिस्ट। अब मानते हैं नार्सिसिस्ट कौन कौन लोग होते हैं। नार्सिसिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि ना सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं सबके अंदर थोड़ा थोड़ा नार्सिसिज्म होता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते थे नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब अपने आप से जो ऑब्सेस्ड होता है, जैसे कहीं शीशे में अपना कहीं दिख गया, अरे ए ओहो, थोड़ा बाल वाल बनाए, ठीक है, माताओं के लंबे बाल है तो उसने ऐसे किए, थोड़ा कभी हाँ किया कभी हाँ किया, लिपस्टिक लगाई है, किया है? दिस ऑल कम्स इन सेल्फ ऑब्सेशन। नार्सिसिज्म का थोड़ा थोड़ा सभी के अंदर होता है, तो ये नार्सिसिज्म होता है। जैसे एक बार एक लिफ्ट थी, वो 40 मंजिल ऊंचा लंबी बिल्डिंग थी, तो ना लिफ्ट आते आते बहुत टाइम लगता था, तो लोगों ने इंजीनियर को बोला कि भैया लिफ्ट का थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इतना धीरे धीरे चलती है, ज़िंदगी बीत जाती है हमारी, कितने जन्म बीत गए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में आने में, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना इसकी। तो इंजीनियर देखा इसकी स्पीड बढ़ाने में तो काफ़ी पैसा लगेगा, उसने एक सिंपल सोल्यूशन किया, लिफ्ट के अंदर शीशे लगा दिया उसने, उसके बाद से कंप्लेंट आनी बंद हो गई, कहीं कहीं शीशा दिख जाए, कहीं खुद की इमेज दिख जाए, बस फिर तो ये स्पाइक्स ये वो मक्खी दाढ़ी ये सब करते करते वह उसमें 40 माले बीत जाते। आई सॉ वन गर्ल कनॉट प्लेस में थी, और अच्छी खास उसने पोनीटेल बना के रखी हुई थी, ऐसे पोनीटेल बनाई हुई थी उसने, तो कार के पीछे का स्क्रीन होता है ना उसमें उसको अपनी शक्ल नजर आ गई, तो आगे निकल गई, फिर पीछे आई वो, फिर ऐसे देखा मैंने ऐसे देखा, फिर उसने ये हुक बनाया और फिर यहाँ से एक लट निकाली ऐसे करके, इसको हवा में उड़ाया उसने। सो दिस इज नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म। तो कुछ लोग जो है नार्सिसिस्ट जो है सबके अंदर होता है, मतलब अपने आप को निहारना, ये वो, ये साइड वो साइड, ये लाइक दैट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ लव का मतलब है लविंग द सेल्फ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन, थ्रू प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम कोई भी कार्य करने लगे अगर उसमें प्रिपरेशन रहती है अगर, तो प्रिपरेशन से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। या प्रभुपाद जी का शिष्य था, वो गया साउथ इंडिया का प्रचार वगैरह करने के लिए, अब वहाँ पर गया, वहाँ तो कुछ स्कॉलर थे संस्कृत के, इसने उसको घुमा फिरा के भेजा, गया चल आया बड़ा हरे कृष्णा चल जा। अभी बड़ा शर्मिंदा होकर के वापस आया और प्रभुपाद जी आगे सर झुकाया हुआ, इसने श्री प्रभुपाद जी के आगे, प्रभुपाद जी ने कहा क्यों क्या हो गया, कह रहा श्री प्रभुपाद मैं साउथ इंडिया गया, हाँ मेरी बहुत बेइज्जती हुई, संस्कृत स्कॉलर से मेरे को घुमा घुमा के पटका, मेरे को कह रहे जा हरे कृष्ण वाला पट ऐसे करके भेजा। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा तुम साउथ इंडिया गए थे, क्या तुमने मेरी बुक्स पढ़ी, मैंने जो भगवद गीता दी श्रीमद भागवतम दिया, क्या तुमने वो पढ़ के गए थे, कहते नहीं मैं तो ऐसे हरी बोल करते गया था और हरी बोल होके मैं वापस आया मैं। तो प्रभुपाद ने कहा यू शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल, तुमको अच्छे से पढ़ना चाहिए वास्तव में। और फिर उसने 2 साल लगाए श्री प्रभुपाद जी की बुक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, श्रीमद भगवद्गीता श्रीमद भागवतम इत्यादि बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, और फिर वो साउथ इंडिया गया प्रीचिंग करने के लिए वेरी कॉन्फिडेंटली दिस टाइम एंड ही वाज सक्सेसफुल। तो जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, सो वी मस्ट प्रिपेयर वेरी वेरी थॉरली। मुझे याद है मेरी पहली जो स्पीच थी माइक के आगे, वो स्पीच थी, इट वॉज अ प्लेज, स्कूल में प्लेज होती ना, हम भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमको हमारा देश प्राणों से ही प्यारा है, ऐसे करके जो प्लेज होती है, तो वो मेरे को दी गई थी, चलो बेटा तुम कब बोलो। तो मैंने माइक तो सामने और सब मेरे को देख रहे हैं, हमने तो सिट्टी बिट्टी को आत्मविश्वास का एक मॉलिक्यूल नहीं बचा, और भारत भारत पिछले दिन बोला हमारा देश है
हम सब भारतवासी भाई बहन है। ये आधी हुई थी तो बोल दिया अरे इसको हटाओ, फिर एक और दूसरा स्टूडेंट आया, फिर उसने आकर प्लेजिंग पूरी कराई। दिस वॉज माई फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन बिफोर द माइक। अभी तो लोग बोलते हैं प्रभु जी आपको डर वर नहीं लगता, अभी बताओ अभी कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार जो लोग माइक के आगे आते हैं पब्लिक स्पीकिंग ना पेट में तितलियां वगैरह होती हैं, तो अभी कोई तितली नहीं होती, तितली का ककून नहीं होता। आप तो क्यों नहीं होता, इसलिए होता है क्योंकि ना आप जब प्रिपेयर करते हैं और करते हैं वो कार्य, करते करते ही कॉन्फिडेंस आता है। वास्तव में पब्लिक स्पीकिंग ना एक बहुत बड़ा डर माना जाता है, टॉप फाइव जो फियर्स हैं, फोबियाज हैं दुनिया के अंदर, उनमें आता है पब्लिक स्पीकिंग का। किसी बोलते हैं इनको माइक पकड़ाओ, बताइए थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताइए, कहते हम जीवन के बारे में बताएं, जीवन मतलब जी वन, एक बार तो जीना चाहिए। कैसे बोले अजा बाजी थैंक यू, इतने हो पाता है। करते करते गलतियां करते करते फिर, लेकिन फिर भी करते करते गलतियां, फिर करते करते उनसे सीखते हुए, लेकिन फिर भी करते करते करते, ऐसे ही वास्तव में आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। सो प्रिपरेशन हैज गॉट नो सब्स्टिट्यूट। मेरे दोस्त हैं मधुमंगल प्रभु, अब उनको इंग्लिश वैसे आती है, सोच समझ लेते हैं वो अच्छे से, पढ़ भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन बोलचाल में अभी इतने एक्सपर्ट नहीं थे वो। लेकिन हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको भेज दिया गुड़गांव प्रीचिंग करने के लिए। उन्होंने 6 महीने उन्होंने इंग्लिश सीखी उन्होंने, ताकि मैं गुड़गांव जैसी जगह में जो कि बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, वहाँ पर इंग्लिश में भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकूँ। एंड व्हेन ही वाज प्रिपेयर्ड तो उन्होंने कई जगह लेक्चर दिए, मुझे ये बोला प्रभु जी आपके यहाँ कभी इंग्लिश में लेक्चर देना हो मैं आऊँगा और मैं दूंगा, मुझे फिर फीडबैक देना। पर ऐसा करते करते उनका कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि उन्होंने कई लेक्चर्स फिर उन्होंने इंग्लिश में दिए। आत्मविश्वास आता है जब हम प्रिपेयर करते हैं। हमारे एक लीडर, उनका नाम है श्री राधानाथ स्वामी महाराज, वो अपने हर एक लेक्चर के लिए 6 घंटा तैयारी करते हैं। अब वैसे महाराज है, स्वामी है, सन्यासी हैं, ऑलरेडी बड़े लर्नेड हैं, कुछ ही बोलेंगे लोग सुनेंगे, लेकिन वो 6 घंटा तैयारी करते हैं एक लेक्चर के लिए, इतनी प्रिपरेशन। तो किसी ने पूछा महाराज आप इतनी तैयारी करते हैं आप, तो महाराज ने कहा मैं नहीं चाहता कि इतने सारे लोग जो मुझको बड़ी श्रद्धा की भावना के साथ सुनने के लिए आए हैं मैं उनका समय खराब करूं, इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स की तैयारी करता हूं अच्छे से, उसके नोट्स बनाता हूं, कौन से एग्जांपल्स मैं बोलूंगा, कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तैयारी करने से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है वास्तव में। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इवन सचिन तेंदुलकर हैज़ प्लेड 15,000 शॉट्स बिफोर ही एंटर्ड फर्स्ट वन डे क्रिकेट। उसके पहले कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, 15,000 शॉट, 1, 2, 3, 15,000, इतनी प्रिपरेशन के बाद देन ही एंटर्ड। इवन दुनिया के अंदर भी अगर कोई भारी कार्य, अगर कोई कार्य करता है तो उसमें प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। आपने गुलाम अली का नाम सुना है, गुलाम अली फेमस गजल गायक, बट हाउ ही कुड बिकम सच अ लीजेंड। वैसे वो ही वॉज जस्ट वन ऑफ द मीडियोकर गायक शुरू में जो अपने गुरु के पास आए थे, लेकिन उन्होंने एक रात गुरुदेव की पूरे रात उन्होंने पांव दबाए, उन्होंने सेवा की अपने गुरु की, और गुरु क्या हुआ, गुरु सो गए और उनके रात भर पांव दबाते रहे। तो 5 बजे जब उनकी गुरु की आंख खुली, ही वॉज स्टिल मसाजिंग स्वीट, तो उनको बोला कि आपने दिन पूरी रात मेरे पांव दबाए, अरे मैं सो गया था, छोड़ देते फिर। कहते नहीं गुरु महाराज, जब तक आप मना नहीं करेंगे मैं कैसे छोड़ता, इसलिए मैं दबाता रहा। तो दोस्तों, उनके गुरु ने बड़े दिल से आशीर्वाद दिया उनको कि मैं प्रार्थना करता हूँ मैं ऊपर वाले से कि आप इतना अच्छा रियाज करो कि आपका नाम चारों ओर फैले, आप गजल गायकी में बहुत आगे जाओ, अपने गुरु से भी आगे जाओ, और मैं आपको दिल से आशीर्वाद देता हूँ। तो बहुत ही जगत में भी अगर कोई बड़ा अगर आगे बना बड़ा है और उसमें अगर आत्मविश्वास आया है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कैसे आया, प्रिपरेशन से। तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए, थॉरली प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपरेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अक्सर आत्मविश्वास इसलिए भी नहीं आता ऑफकोर्स, क्योंकि ना हम दुनिया वालों से इसके सर्टिफिकेट की चिंता करते हैं। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर नहीं कर पाया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो एक भाई ये तो रहता ही हमारे अंदर कि ना दुनिया वाले क्या बोलेंगे, और एक भाई रहता है कि अगर फेल हो गया तो आप से कितने लोगों ने साइकिल चलानी सीखी है, पहली बारी में साइकिल कहीं भेड़ी थी, नहीं भेड़ी थी हमने तो पहली बार साइकिल चलाई, कभी नाले के अंदर डाली, कभी कहाँ डाली, कभी किसी का ऊपर चढ़ा दी, गाली खाई, फिर अगली बार सावधानी। ड्राइविंग करना सीखो, हल्का सा एक
चौधरी का चांद तो गाड़ी पे कहीं ना कहीं हल्का सा लगना ही, लेकिन उसके बाद सावधानी बन जाती है बहुत ज़्यादा। सो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, और इसीलिए हमको जो भी हम करना चाह रहे हैं वी शुड प्रिपेयर वेल। एक और जो चीज़ है जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाती है हमारा, विच कम्स इन प्रिपरेशन, इज दैट वी शुड रेगुलरली फीड आवर इंटेलिजेंस। हमें अपनी बुद्धि को बार बार उसका पोषण करना चाहिए, उसको बार बार उसको फीड करना चाहिए। लाइक सम ऑफ द डिवोटीज और सम ऑफ द पीपल दे रेलिश रीडिंग। आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स बीइंग सच अ सक्सेसफुल पर्सन, इवन नाउ ही स्टडीज एवरी डे फॉर 1 आवर सम मीनिंगफुल बुक। ये नहीं, ये मनोरमा और सरिता, नंदन, चंपक, ये सब ये रीडिंग नहीं, कुछ ढंग की रीडिंग। सो ही कंप्लीट्स 1 बुक एवरी वीक, बिल गेट्स। तो साल में कितनी बुक्स हो जाती है उनकी? 52 बुक्स। इवन बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, हो सकता है कहें आप क्या पढ़ना जी, अब तो हम हो गए सक्सेसफुल, अब तो वैसे बूढ़ा हो रहा हूँ, वैसे मरना ही है, और क्या क्या पढ़ना, बट इवन नाउ ही डज दैट। तो इसीलिए हमको मीनिंगफुल बुक्स पढ़नी चाहिए, मोर वी फीड आवर इंटेलिजेंस एस्पेशली बाय स्पिरिचुअल नॉलेज, उससे भी हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक बार नरेंद्र मोदी से किसी ने पूछा कि मोदी जब आप इतने वृद्ध हो गए, अब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते ना तो अच्छा रहता, फिर आप और लंबी आप टर्म खेल पाते हैं, क्योंकि अगली बार भी आप ही को आना है, उसके अगली बार भी आप ही को आना है, बिकॉज भारतवासी आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि इतने साल बाद मैं इसलिए आया क्योंकि मैं इतने साल प्रिपरेशन कर रहा था इस सेवा के लिए। बींग अ प्राइम मिनिस्टर ये बहुत बड़ी सेवा है, और मैं अपने आप को हमेशा इस सेवा के लिए अयोग्य मानता रहा। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, इतने समय तक मेरे को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तैयारी कराई है, वास्तव में मैंने तैयारी की है, इसीलिए अब मैं ये कर पाता हूँ, अब ये जो सेवा कर पा रहा हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर होने की, ये सेवा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने समय ये प्रिपरेशन का समय दिया मैंने। तो किसी ने पूछा, लेकिन लोगों ने आपको बहुत क्रिटिसाइज भी किया है आपको, तो उन क्रिटिसाइजर्स को लेकर के आपका क्या मत है? तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वास्तव में जितने भी लोग थे मेरे को क्रिटिसाइज करने वाले, वो उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मोदी को बनाया है अपनी आलोचनाओं के द्वारा। जब मेरी आलोचना करते थे तो मैं सीखता था, अच्छा ये आलोचना कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ कार्य करता हूँ, और इस प्रकार से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाता था और अच्छे से उन आलोचनाओं के द्वारा। तो कभी आलोचना हमारी होगी, हम आलोचनाओं से भी डरते हैं, कोई हमारा आलोचना करेंगे, लोग हमारे निंदा करेंगे, लोग कहेंगे ले बड़ा हीरो बनने चला दिया देख, ये हम इससे डरते हैं। इस वजह से भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम कुछ मीनिंगफुल कर सकें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा मैंने कभी भी आलोचनाओं से डरा नहीं, लोकतंत्र है तो यहाँ पर आलोचनाएं तो होंगी, लेकिन इन आलोचनाओं से मैंने सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह से ही कुड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दैट मीन्स वी शुड नॉट गिव अ डेफ ईयर, वी शुड नॉट गिव अ डेफ ईयर टू ऑल दीज क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म को हमें स्वीकार करना चाहिए, ये क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा है। जो भी हमको क्रिटिसाइज करने वाले हैं, अगर आप उस क्रिटिसिज्म को एज अ फीडबैक लेंगे, एज अ लर्निंग, एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम कृष्णा थ्रू दीज पीपल, तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा जितने लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ना कुछ कौवे गिद्ध के ऊपर हमला कर देते हैं, गिद्ध उनसे जाके भिड़ता नहीं है, गिद्ध ऐसी ऊंचाइयों पर उड़ता है जहां पर कौवे उड़ नहीं सकते। उस तरह से जब हमको क्रिटिसाइज करता है, विद रेज्ड कॉन्शियसनेस वी शुड टेक दोज क्रिटिसिज्म नॉट टू ब्रिंग डाउन माई कॉन्फिडेंस, बट टू एनहेंस माई कॉन्फिडेंस बाई टेकिंग दोज इन्फॉर्मेशन, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। हम भी अपने बारे में इतना अच्छा क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते इतना कि हमें से ईर्ष्या करने वाला करता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के होना अच्छा है, इन अ वे इट इज गुड, दे हेल्प अस प्रिपेयर वेल, और उसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सो एल फॉर लव फॉर द सेल्फ विच वी डू थ्रू प्रिपरेशन, तैयारी करके। नाउ वी कम टू, अब क्या आएगा, SELF। F stands for faith, faith, विश्वास। विश्वास होना, किस पे विश्वास होना, खुद पर भी विश्वास होना और साथ ही हमारे ठाकुर जी पे भी विश्वास होना, भगवान पे विश्वास होना। जैसे जब अघासुर जब भेजा कंस ने, तो अघासुर ने ऐसे अपना मुंह खोल कर रखा हुआ था और जीभ ऐसे बिछा के रखी हुई थी, और काफ़ी समय से लेटा हुआ था, तो उसमें खूब पत्ते वत्ते भी हो गए थे, तो लग रहा था कि ऐसे फिर जंगल का हिस्सा है। तो सब सखाओं ने कहा अरे ये तो बड़ी सुंदर गुफा बनी हुई है, चलो ना इस गुफा के अंदर नाचते नाचते चलते हैं, गुफा के अंदर छुप जाएंगे हम, चलो खेल खेलेंगे इस गुफा के अंदर।
तो किसी एक सखा ने भी कहा कि ना लेकिन बड़ा अजीब सी गुफा नहीं है, इस गुफा के किनारे पर्वत कितने ज्यादा हैं। बेसिकली वो दांत थे आगासुर के। कहते लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत तो हमने कभी देखे नहीं वृंदावन के अंदर, देखो कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत है ये, और इतनी सीधी रोड किसने बनाई इतनी लंबी सी, वो जीप थी आगासुर की कि आओ अंदर आओ। कहते चलते हैं ना करेंगे मस्ती करेंगे हम लोग अंदर चल कर ये गुफा करके। गुफा कहते मुझको लग रहा है कि ये कोई कोई सांप ना हो जो कि यहाँ बैठा हो अपनी जीप फैला करके। कहते तुम तो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते रहो। अरे हमारे पास कृष्णा है ना तो चिंता काहे की। तो सारे गोपों के अंदर ये आत्मविश्वास आ गया कि हमको अंदर जाना चाहिए, कृष्णा है ना हमारी रक्षा करने के लिए। रक्षित इति विश्वास हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये विश्वास होना कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, तो इससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। वास्तव में एक समय ऐसा हुआ, मैं एक जगह प्रीचिंग कर रहा था IIT के पास, तो वहाँ पर लेक्चर में किसी ने सुन लिया था या कहीं पढ़ लिया था 96% वेदास आर लॉस्ट। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहते हैं ये आप बताइए 96% वेदास आर लॉस्ट तो हम वैदिक नॉलेज पे क्यों विश्वास करें। मैं कहा बात तो सही बोल रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको थोड़ी देर तो टटोल मटोल किया, मैंने कहा बहुत ही अच्छा सवाल, ऐसे ही सवालों की हमको तलाश रहती है। लेकिन अंदर सोचा था इसका जवाब क्या दूँ यार, अंदर ही अंदर सोच रहा है क्या जवाब दूँ इसका। लेकिन ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आज देश को बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता, लेकिन मन में सोच रहा है कि उसको जवाब क्या देना है, कुछ जवाब नहीं, क्या जवाब दूँ इसको मैं। लेकिन यार बिल्कुल बहुत हर सवाल अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासाएँ हमको करनी चाहिए। आप कहाँ से हैं, ये हैं वहाँ से, ओ अच्छा, मन में क्या क्या जवाब दूँ क्या जवाब दूँ। मेरे हृदय से मैं प्रार्थना, मैंने कहा प्रभु जी हे कृष्ण आप रक्षा करो, क्या जवाब दूँ मैं यहाँ पर इस सवाल का। तो फिर भगवान ने इंस्पायर किया आंसर, और मैंने उसको बताया हाँ आपने बिल्कुल सही कहा 96% वेदास आर लॉस्ट, बट दोज वेदास दैट वेदिक नॉलेज इज नाउ रेस्टोर्ड इन भक्ति वेदांत परपोर्ट्स बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। एंड यू ऑल्सो सेटिस्फाइड, वो भी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट, मैं कहा अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया। लेकिन यहाँ बचाया किसने, भगवान ने बचाया। वास्तव में भगवान ने बचाया, भगवान बचाते हैं। तो ऐसा विश्वास होना। एक समय हमारे पैरिस में हमारा मंदिर था, तो भक्तों ने एक लॉफ्ट में उसको लिया हुआ था किराए पे। अब वो किराया था नहीं, पैसे थे नहीं, अभी एक पैसा नहीं, आज किरायादार आ रहा है, लेकिन अब सॉरी मकान मालिक आ रहा है, अब क्या क्या पैसे देंगे, मकान मालिक को पैसे तो है नहीं। तो कहा चलो ठीक है कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने कीर्तन किया और कीर्तन करें हरे कृष्ण महामंत्र का, खिड़की से पैसे उड़ते हुए आए, उन्होंने काउंट किए एग्जैक्टली किराया। तो कौन रक्षा करता है वास्तव में, ये भगवान है वास्तव में। तो इसलिए ये फेथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ भी हुआ, प्रहलाद से पूछा भगवान हिरण्यकशिपु ने, क्या मैं तेरे को पहाड़ी से फेंका, मैंने तेरे को तू मरा क्यों नहीं। कहते पहाड़ी है कौन, बेसिकली पृथ्वी है, पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है, प्रभु मेरे अगर पिताजी हैं तो पृथ्वी मेरी माँ हो गई, मेरी माँ की गोद में फेंको मरूँगा क्या। कहते अच्छा देखो तो मैंने जहर भी खिलाया, मैंने तू जहर से मरा नहीं, तू प्रहलाद तू बच कैसे गया तू। प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखिए मैं जहर से ऐसे नहीं मरा, क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था ना तो वहाँ से लक्ष्मी भी निकली थी और वहाँ से हलाहल विष भी निकला था, जहर भी निकला था, क्योंकि लक्ष्मी मेरी माँ है और दोनों समुद्र से निकले हैं, विष भी और लक्ष्मी भी। लक्ष्मी अगर मेरी माँ है तो जो जहर है मेरा मामा हुआ और मैं उनका भांजा, तो मामा भांजे को क्यों मारेंगे, इसलिए मैं नहीं मरा। कहते अच्छा देखो तो मैंने सांपों से भी डसवाया मैंने, लेकिन देखो सांपों के डसने पर तेरे फर्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों। कहते जितने भी सांप थे कहते थे अरे ये तो इनके पिताजी है ना, वो तो खुद सांप पे लेटे हुए हैं, भगवान विष्णु वो तो खुद सांप पे लेटे हुए हैं अनंत शेष के ऊपर। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्रभु का भक्ति है, तो हम भी इसको भी बिस्तरा ही दे देते हैं, जब वहाँ वो बिस्तरा बने हुए हमारे मालिक अनंत शेष जी, हम इनके लिए बिस्तरा बन जाते हैं। तो इसने सांप आए लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। कमाल की बात है यार, ना तो तू जला है, देखो मैंने पहाड़ी से फेंका तो भी तो बच गया तू, सब तरह से बच गया तू, कमाल की बात है। कहते हाँ इसलिए, कहते लेकिन मैं तेको आग में जलाया भी तो सही, तू आग में क्यों नहीं जला वैसे। कहते अरे आग भला होती कहाँ है, जब हम हवन यज्ञ करते हैं बेसिकली वो भगवान विष्णु का मुख है, वहीं तो करते हैं स्वाहा स्वाहा, अब मेरे को मेरे पिताजी के मुंह में फेंकोगे, जलूंगा थोड़ी ना मैं, इसलिए नहीं जला। सो प्रहलाद महाराज को पक्का फेथ था कि मेरी रक्षा करने वाले कौन है, भगवान है वास्तव में। तो भक्त को ये विश्वास होता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करने वाले हैं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और इस समय अगर पीट भी रहे हैं ना भगवान, कहीं ना कहीं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। भगवान भक्ति की रक्षा तो अवश्य करते हैं, शरीर की रक्षा कभी करते कभी नहीं करते, लेकिन उसमें भी उसकी भक्ति की ही भला होता है वास्तव में। कैसे होता है ये अचिंत्य है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि अचिंत्य नहीं है, ये भगवान के क्या प्लान चल रहे हैं भगवान जानते हैं और भगवान के भक्त भी जानते हैं। तो इसीलिए ये विश्वास होना कि मेरे प्रभु जो हैं वो मेरी रक्षा करने वाले हैं, और इस विश्वास के साथ जो हम जीते हैं तो होता क्या, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करने के लिए। प्रभुपाद जी विद ऑल फेथ ही वेंट टू USA
वो जानते थे कृष्ण सब प्रोवाइड करेंगे। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, इसलिए प्रभुपाद आप श्रीमद भागवतम को लेकर जा रहे हैं अमेरिका? प्रभुपाद ने कहा ना ना ना, भागवतम ने डिसाइड किया है कि अमेरिका जाना है, मैं तो बस उनके साथ जा रहा हूँ, भागवतम की इच्छा है, भागवतम लेके जा रहा है वहाँ से मेरे को। ये विश्वास है उनको श्रीमद भागवतम के ऊपर, ये विश्वास है। जैसे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनका ना पूरी एक अटैची है शालिग्राम शिला, उनके डीटीज इनकी। तो किसी ने बोला महाराज आप कहाँ कहाँ लेकर के जाते हो इनको दुनिया भर में? महाराज ने कहा मैं नहीं लेके जाता, ये मेरे को लेकर के जाते हैं। जब इनको ऑस्ट्रेलिया जाना होता है तो मैं इनके साथ जाता हूँ, इनको ऑस्ट्रेलिया जाना है वास्तव में, इनको रशिया जाना है वास्तव में, ये लेकर के जाते हैं। और रक्षा कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। पालन कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। तो भक्त को जब ये विश्वास होता है कि मेरे प्रभु हैं ना, फिर चिंता वाली क्या बात है। तो इससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कहीं ना कहीं हमको भगवान पर विश्वास नहीं है, हम चिंता करते हैं पता ऐसे, लेकिन प्रभु जी देखिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। कई बार इसलिए गृहस्थ भक्त इतने ज़्यादा कर्मी एक्टिविटी में लग जाते हैं कि नहीं देखिए हम कमाएंगे नहीं तो कौन पालेगा इनको। अरे पालने वाले प्रभु हैं। रिसेशन के वक्त 5 करोड़ जॉब्स डिसॉल्व हो गई, तो मतलब 5 करोड़ फैमिलीज मर गई क्या? मर गई, उनको कौन पाल रहा है? भगवान पाल रहे हैं। कब पालना है, कैसे पालना है, ये भगवान जानते हैं। लेकिन पालने वाला कौन है वास्तव में? भगवान है। तो ये विश्वास जब होता है तो भी कॉन्फिडेंस आता है कि भगवान पालने वाले हैं। एक समय ऐसा हुआ, हमारे यहाँ फेस्टिवल था और मैं यहाँ सेवा कर रहा था, प्रसाद बांट रहा था। प्रसाद बांटते बांटते क्या हुआ, सारा प्रसाद खत्म हो गया। मतलब बाल्टी के सारे जो वॉल होती है उसकी, वो भी खींच खींच के देखें तो भी कुछ नहीं। मैंने कहा हो प्रसाद तो ख़त्म ही हो गया, चलो एनीवेज ठीक है। मैंने कहा चलो सेवा तो होगी, भक्तों की सेवा हो गई, प्रसाद नहीं बचा, कोई नहीं, हमको सेल्फलेस भावना से, निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन मन में था काश प्रसाद मिल जाता, हम भी प्रसाद पा रहे थे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, अब नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ऐसे बाल्टी से हल्का से लिया, बस वैसे चख लिया, मैंने ठीक है प्रसाद हो गया। मैं अभी बैठा हुआ था, मैं जपा करने के लिए बस मैंने माला के अंदर भी हाथ डाला ही था, तभी एक भक्त आ गया था, प्रभु ये प्लेट एक्स्ट्रा है, अगर कोई हो ना कोई व्यक्ति तो आप उसको दे देना। मैं कहा हाँ है, हाँ है, ये है, मेरे को दे दो। सो आई हैड द प्लेट फुल ऑफ प्रसादम ऑन दैट फेस्टिवल। द पॉइंट इज दैट कि भगवान देखने वाले, भगवान देखने वाले। आई नो सम ऑफ द डिवोटीज, इनमें घर की सैलरी है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में जगन्नाथ जी को भोग भी लग जाते हैं, 56 भोग भी लग जाते हैं। जो बाहर लोग होते हैं उनको प्रसाद बढ़ भी जाता है, उनके बच्चों की शादियाँ भी हो गई, घर में सेविंग्स भी हो गई, और किराया भी हो गया, और उनका पेंशन भी हो गई। कैसे हुआ 15,000 रुपये में ऐसी बरकत कैसे आई है? ठाकुर जी डालते हैं। कुछ घर में सैलरी से 1,00,000 रुपये खत्म, 15 तारीख का पैसा खत्म, 1,00,000 रुपये सैलरी पैसा खत्म। कहें भाई साहब 500 रुपये दे दो, थोड़ा पैसा दे दो, अगले महीने चुका देंगे। होता है ऐसा? तो ये विश्वास रहना चाहिए कि मेरे को मेरे प्रभु पालने वाले हैं। ये इस विश्वास के साथ भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसलिए हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे इन द बिगनिंग वी ऑफर आर प्रेयर्स, हम क्यों प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही बुलवाने वाले हैं, आप ही बुलवाने वाले हैं। तो ये बोलने की क्षमता तो आपसे आनी है, सोचने समझने की क्षमता आपसे आने वाली है, सुनने वाले समझ पाएंगे जो हम बोल पाएंगे वो भी आपकी इच्छा से हो पाएगा। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं डिपेंडिंग ऑन कृष्ण, ठीक है। तो इसलिए आज हमने चर्चा की किस प्रकार से कॉन्फिडेंस बनाए, एज सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय सेल्फ, एस फॉर स्पिरिचुअलिटी, ई फॉर एक्सप्लोरेशन, क्या एक्सप्लोर करना है हमको, अपनी कैपेबिलिटीज, रास्ता क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे, मुझे एग्जैक्टली पाना क्या है, एक्सप्लोर, यस। एस ई एल एल फॉर लव फॉर दी सेल्फ थ्रू प्रिपरेशन, यस। एंड देन एफ, एफ स्टैंड फॉर फेथ, किसमें, खुद में भी कि प्रभु ने जो दिया है यस काफ़ी है और उनकी कृपा से सब होगा, लाइक दैट। तो प्रयास भी करते हैं लेकिन प्रयास के साथ ये फेथ भी होता है कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है ना, बस जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ ठोकरे नहीं हैं, और जहाँ ठाकुर जी नहीं हैं वहाँ सिर्फ ठोकरे हैं। तुम हमें क्या चाहिए, ठाकुर जी या ठोकरे? ठाकुर जी, तुझे ठाकुर जी पर विश्वास होना चाहिए, मेरे प्रभु है ना बस, फिर काय की चिंता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, रिजल्ट आउटकम भगवान के हाथ में, प्रयास हमारे हाथ में, लेट्स डू इट। तो इसलिए फेलियर से डरे बिना, फेलियर्स लेसन्स लेकर के आते हैं ये जानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप विजयी हुए, आपने जो कार्य किया अच्छा कर लिया, वेरी गुड, दैट गिव्स इंस्पिरेशन, और अगर आप ठीक से नहीं कर पाए दैट विल गिव यू लेसन। तो यहाँ तो इंस्पिरेशन है, यहाँ लेसन है, ये तो विन विन सिचुएशन है लाइफ के अंदर। तो इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए, और हमें जो भी हमें सेवा मिले, भगवान की सेवा हो या फिर और भी हम कार्य जो करते हैं, सत्कार्य करते हैं, उसको करने का हमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा। हरे कृष्णा।